राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ओर से आज हिसार में कई जगहों पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने सरकार के नोटबंदी का खुलकर समर्थन किया। साथ ही उन्होंने लोगों को नसीहत दी कि वे अपने बैंक खातों में कमीशन के लालच में आकर किसी और का पैसा जमा ना करवाएं। अगर छुपो के रखे होंगे ना 10-20-50 हजार लाख रुपए 2 लाख ही अगर हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आपको कहे कि अभी ये जपत हो गए ये गलत कहेगा और भूल से देना नहीं हो किसी को 30 दिसंबर तक जमा करा सकते हो आराम से और नए नोट बदल के मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं क्योंकि आपने कोई चोरी नहीं करी, काली बाजारी नहीं करी। और बचा के रखना तो इस देश की परंपरा है। कोई आपसे 10-20% मांगे कट कूट उसको किसी को नहीं देना, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं, मेरे को फोन कर देना। तो ये बैठे हैं ना कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, 100% में 100 के 100 वापिस देंगे। तो 55 लाख करोड़ रुपए के बराबर संपदा इस देश की बढ़ी लेकिन उसमें से केवल 1% लोग, ऊपर के 1% लोग मेरे जैसे 1% लोग 61% भाग ले गए उसमें अंदर से उतनी कमाई में। और उसके बाद अगले 9% जो लोग बचे उनके पास 21% आया, कुल 19% यानी 100 रुपए में से केवल 19 रुपए, 1000 में से 190 रुपए और 1 लाख रुपए में से 1900 रुपए केवल आए इससे 90% जनता का। मोनेटाइजेशन ये 500 और 1000 का नोट का उन्होंने भाई नरेंद्र मोदी ने बंद किया, ये झटका इतना बड़ा दिया है पैसे वालों को, बड़े नोट रखने वालों को, वो सारों के 90% के बराबर आ गए।